नमो यूनिवर्स प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के महाप्रयोग के बारे में। अगर आप बताए गए नियमानुसार इसको प्रयोग करते हैं तो हम किसी के भी शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आर्षि मुनि घोर तप करके और अलग अलग प्रकार की कष्टदायक साधनाएं करके, अपने जीवन का बहुत बड़ा समय इसमें लगा करके हमारे लिए जो जो प्रयोग बता गए, इतना ही नहीं, अगर आप इसकी प्रयोग विधि को अच्छे से करते हैं तो आप किसी के भी मन के बातों को जान सकते हैं या किसी के पास भी अपने मन की वाइब्रेशन को पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये करना कैसे है और क्या क्या सावधानी रखनी है जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना है, और साथ ही आप ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा विद्युत प्रयोग जिसको आप कभी भी किसी भी समय करके तुरंत ऊर्जा की प्राप्त कर सकते हैं। किस भी प्रकार की स्थितियों में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, यह हम जानेंगे। उससे पहले हम यह जानते हैं कि हमारा प्रयोग आधारित किस पर है। तो हमारा प्रयोग बहुत से शास्त्रों पर आधारित है, और सबसे पहले हम कुछ वेद की रचाओं को लेकर अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। उसके पश्चात दूसरे ग्रंथों से उदाहरण देकर तब इस प्रयोग को बताएंगे। सबसे पहले अथर्व वेद की एक रचा जिसमें कहा गया, दिवम पृथ्वी मनु अंतरिक्षम, ये विद्युत मनु संचार मंत्र दिव्य तरवाते अंतस्थ भयो अग्निभ्य। इसका अर्थ हुआ, ऊर्जा दिलोक अंतरिक्ष पृथ्वी विद्युत वायु सभी में व्याप्त है, या एनर्जी जिसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता। प्रातकाल उठने से लेकर के रात को सोने तक जितने भी काम है, हम इस ऊर्जा की बदौलत ही कर पाते हैं। इस ऊर्जा के होते हुए ही हम ये सारे काम कर पाते हैं। यह ऊर्जा ना हो तो हमारा शरीर व्याप्त है। इस ऊर्जा का महत्व वेदों में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। हमें इस ऊर्जा का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करना है, यह हम जानेंगे। तो कहा गया है कि ऊर्जा सभी में व्याप्त है। विश्व का ऐसा कोई भी स्थान या कण नहीं जहां ऊर्जा प्रकट ना हो या गुप्त रूप से आदृश्य रहती है, छुपी हुई रहती है। इसलिए जहां भी कहीं घर्षण होता है या रगड़ होता है, वहां विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी अवश्य उत्पन्न होती है। विद्युत के बारे में बहुत कहा गया शास्त्रों में, और यह विद्युत ऊर्जा के रूप हमारे शरीर में रहती है। इस विद्युत को हम समय समय पर अनुभव भी करते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि इस विद्युत, इस ऊर्जा को हम कैसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें। तो यह वेद से एक रचना, अथर्व वेद से, और उसके द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया कि ऊर्जा ब्रह्मांड के कण कण में, प्रत्येक पशु पक्षी में, प्रत्येक कीट में, प्रत्येक मनुष्य में, पूरी पृथ्वी के कण कण में और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस ऊर्जा का हम अपने लिए प्रयोग कैसे करें, बस यही मुख्य बात है। यह तो थे अथर्व वेद से प्रमाण। अब दो प्रमाण लेते हैं यजुर्वेद से। यजुर्वेद की दो रचाएं क्या कहती हैं ऊर्जा के विषय में, यह जान लेते हैं। यहां कहा गया, मर्तेषु अग्निरमतो निधा और अग्निरमतो अब्धवयो भी इनका अभिप्राय है कि ऊर्जा अविनाशी और अमर है। कभी भी ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ऊर्जा हमेशा रहती है। हमारा शरीर भले ही नष्ट हो जाए पर हमारी जो ऊर्जा है यह अपना काम करती रहती है। पुनर्जन्म लेकर के हम दूसरे रूपों में अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त करते रहते हैं, तो ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, पर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती क्योंकि ऊर्जा अमर है, अविनाशी है, ईश्वर की तरह है। तो हमारा शरीर नष्ट होने के बाद भी यह ऊर्जा अपना कार्य करती रहती है। ऐसी है यह ऊर्जा, और जब तक हमारा शरीर रहता है तब भी यह अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि ऊर्जा ना हो तो आप अपना एक भी कार्य नहीं कर सकते। ऊर्जा के बिना आपके हाथ पैर भी नहीं हिल सकते। वही ऊर्जा हृदय की धड़कन द्वारा पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करती है। वही ऊर्जा पाचक रूप में आकर भोजन को पचाती है। वही ऊर्जा आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में समाहित होकर आपको प्रत्येक कार्य करने के लिए समर्थ बनाती है। वही ऊर्जा काम ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, संतान उत्पत्ति कराती है। तो एक ही ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। तो यहां कहा गया है, ऊर्जा अविनाशी और अमर है, ऊर्जा अक्षय है, नश्वर जगत में। ऊर्जा अमर है, जगत तो नश्वर है, पर ऊर्जा अमर है,
जगत नश्वर इसलिए कि जब तक हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ रहता है तब तक हम इस संसार को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, इस संसार में काम कर पाते हैं। लेकिन यह शरीर नष्ट होने के बाद हमारी ऊर्जा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ऊर्जा को वयस कहा गया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। ये तो वेदों में बहुत रिसर्च किया गया था। ऊर्जा के प्रत्येक पक्ष पर विद्युत को एक ऊर्जा माना गया और बताया गया कि ऊर्जा का स्थान धरती से लेकर के समुद्र और पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण कण में है। इसको आप छोटे से उदाहरण से ऐसे समझिए कि माचिस की तीली में ऊर्जा व्याप्त रहती है और जब हम उसको रगड़ते हैं घर्षण उत्पन्न होता है, तब वह ऊर्जा अग्नि के रूप में प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा रहती है, चाहे वह प्रकट रूप में हो या अप्रकट रूप में हो। अब अपने प्रयोग पर आने से पहले हम दो और श्लोकों कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये सहस्त्र नाम से लिए गए हैं, सहस्त्र नाम का एक भाग है। तो दो श्लोकों, दो अलग अलग सहस्त्र नाम के श्लोकों को लेकर के हम अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक हमने लिया है पार्वती सहस्त्र नाम से, जो इस प्रकार है वदति शाश्वती यो निर्जगन माते शवर प्रिया सर्वाधारा महारूपा सर्वेश्वर्य समन्विता। तो यहां पार्वती जी के जो 1000 नाम बताए गए हैं वह है वैद्युत। यह वैद्युत यानी विद्युत की जो शक्ति है, विद्युत में जो शक्ति है, हमारे भीतर जो ऊर्जा है, हमारे भीतर जो विद्युत है, उस वो भी आदिशक्ति का, दैवी शक्ति का ही एक रूप है। अपनी बात को और अधिक हम स्पष्ट करेंगे। दुर्गा सहस्त्र नाम के एक श्लोक से इसमें कहा गया अच्युता आदिका विद्युत ब्रह्म यो निर्म हालयालम समुद्भाव भावित आत्मा महेश्वरी। यह दो श्लोक दोनों का पार्वती सहस्त्र नाम और दुर्गा सहस्त्र नाम से अभिप्राय यह था कि आप यह जान सके कि यह शक्ति का ही रूप है जो हमारे शरीर में ऊर्जा बह रही है, जो हमारे शरीर में विद्युत है, जो हमारे कार्यों को करने में हमें समर्थ बनाती है, वह आदि शक्ति का ही एक रूप है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव और शक्ति की क्रिएशन है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव और शक्ति का सार है। शिव और शक्ति का संयुक्त उपादान है, क्रिएशन है, रचना है। और यदि हम इस सामंजस्य को, इस लय ताल को समझ लें तो हमें जीना इस विश्व में बहुत ही सरल हो जाएगा। चीजें कैसे काम करती हैं, शक्तियां कैसे काम करती हैं, ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है, ब्रह्मांड की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा किस प्रकार मिलती है, और अलग अलग ऊर्जाएं किस किस प्रकार से हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा को प्रभावित करती है, किस किस प्रकार की ऊर्जा से कैसे काम लें, वनस्पतियों में किन किन वनस्पतियों में क्या क्या ऊर्जा होती है जिसे खाकर के, भोजन करके हमें ग्रहण करना होता है, किन किन शब्दों में क्या क्या ऊर्जा होती है जिनका जाप करके हमें ऊर्जावान बनना होता है, किन किन कर्मों में क्या क्या ऊर्जा होती है जैसे योगासन आदि की, जिन्हें करके हमें अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना होता है, तो हमें ऊर्जांचल बस यह जान लिया तो जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारी ऊर्जाएं क्या हैं और कैसे हम दूसरी ऊर्जाओं के साथ इसका सामंजस्य बिठाए। यह एक ऐसी समस्या है जो आधुनिक युग के मनुष्य को बहुत परेशान कर रही है। उसको यही नहीं पता कि हम कैसे अपने को हार्मोनाइज करें यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। जो बहुत सारे लोग अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वो तो जानते हैं, वो अलग अलग प्रकार से अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ। कोई मंत्र जाप करता है, कोई मंदिर जाकर ही इन ऊर्जाओं को बैलेंस कर लेता है, कोई योगासन करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई ध्यान करता है, कोई त्राटक करता है, कोई स्वर योग का अभ्यास करता है, कोई तंत्र विद्या करता है, कोई यंत्रों के प्रयोग करता है। कहने का अर्थ यह कि जो एनर्जी है उनका प्रयोग हमें आना चाहिए। किस प्रकार से हम अलग अलग एनर्जी का उपयोग अपने अपने लिए करें जिससे कि हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ समायोजित हो जाए, और एक बार यह हो गया तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे प्राण अपने आप ही संतुलित रूप में उन्नति की ओर अग्रसर होने लगते हैं और चारों पुरुषार्थ हमें प्राप्त होने लगते हैं। धर्म अर्थ का मोक्ष तो यह बहुत विस्तृत विषय है। तंत्र शास्त्र, योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र से भरे पड़े हैं। इन पर चर्चा तो निरंतर चल ही रही है। दोस्तों, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, आप जो जानना चाहते हैं ये कैसा प्रयोग है, तो चलिए
वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत का प्रयोग, ऊर्जा का प्रयोग या अपने शरीर में छुपी हुई विद्युत से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो देखेंगे कि आम तौर पर तुरंत लाभ कैसे होता है, किन किन स्थितियों में इस प्रयोग से होता है, उसके पश्चात इस प्रयोग का वर्णन करेंगे। वैसे तो इस विद्या का प्रयोग विद्युत प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है और किन्हीं भी स्थितियों में किया जा सकता है। यह तुरंत ऊर्जा देने वाला प्रयोग जो है, इसलिए सेफ है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें तो इसका प्रयोग तुरंत ही लाभ देता है। तो जान लेते हैं कि वो स्थितियां कौन सी है जिनमें यह विद्युत प्रयोग तुरंत लाभ देता है। वो स्थितियां हैं तनाव, अरुचि, थकान, आलस्य, उदासी, दुर्बलता, काम में मन न लगना, किसी भी प्रकार का भय होना, यानी डर को दूर करने के लिए बहुत प्रसिद्ध रसायन समझिए, इसे रामबाण समझिए, किंग कर्तव्य विमता की स्थिति, यानी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति में भी बहुत लाभ करता है, घबराहट, निराशा, अवसाद, अनिच्छा, निष्क्रियता, काम, शीतलता, ऊर्जा, हीन अवस्था, बेचैनी, इन सभी स्थितियों में आप इस विद्युत प्रयोग को कर सकते हैं। तो यह तुरंत लाभ देने वाला प्रयोग है, अपने शरीर की ऊर्जाओं को एक प्रकार से तुरंत सक्रिय करने का प्रयोग। जो ऊर्जा निष्क्रिय पड़ी हुई है, जो ऊर्जा सोई हुई है, उस प्रकार का यह प्रयोग है जिस प्रकार से कुंडल शरीर में सोई पड़ी रहती है और अलग अलग प्रयोगों द्वारा हम उसे जगाते हैं। उसी प्रकार से ये विद्युत प्रयोग जो है, यह शरीर में छुपी हुई अन्य ऊर्जा को, जो कि हमारे प्रतिदिन के काम में आती है, उनको सक्रिय कर देता है। तो इसके पीछे विज्ञान है और इस विज्ञान को आज समझेंगे किस प्रकार से यह प्रयोग करना है। करना यह है कि जब भी आपको ऊर्जा चाहिए, आप किसी भी स्थिति में हो, इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें स्पाइन के सीधा होने या विशेष आसन में बैठने आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। बिस्तर पर लेटे हुए भी इसको कर सकते हैं, चेयर पर बैठे हुए भी इसको कर सकते हैं, यहां तक कि चलते फिरते हुए भी इसको कर सकते हैं। ऐसा है यह विचित्र प्रयोग। अब यह प्रयोग क्या है, इसमें आपको दोनों आंखों के बीच में अब इसको स्पष्ट बताएंगे। जो साधक नए हैं, यानी जो किसी भी प्रकार की कोई भी आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकते, वो प्रयोग को नाभि पर ध्यान लगाते हुए करें। और जो साधक किसी भी प्रकार की उपासना, धर्म, अध्यात्म, पूजा, मंत्र जाप, बीज मंत्र जाप, त्राटक ध्यान, प्राणायाम आदि, यह सब कुछ करते रहते हैं, यानी जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा ली है, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी तरह से विकसित कर ली है, वह इस प्रयोग को सीधे आज्ञा चक्र पर कर सकते हैं। लेकिन जो साधक पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं और इससे पहले कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप, कोई प्राणायाम, कोई ध्यान, कोई त्राटक, कोई सहस्त्र नाम का जाप आदि नहीं करते, वह इस प्रयोग को मूलाधार पर ही करें। वो उस प्रयोग को मणिपुर पर ही करें, नाभि पर ध्यान रखते हुए वह इस प्रयोग को करें। और जो पुराने साधक हैं, अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते रहते हैं, वह सीधे आज्ञा चक्र पर कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को करना कैसे है, चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे तनाव, अरुचि, थकान, आलस्य, उदासी, दुर्बलता या मन न लगना, किसी भी प्रकार का भय होना, क्या करूं क्या ना करूं जैसी स्थिति होना, घबराहट, निराशा, अवसाद, अनिच्छा, निष्क्रियता, काम, शीतलता, ऊर्जा, हीन अवस्था, बेचैनी, तब आप इसको तुरंत कर सकते हैं। प्रयोग क्या करना है, बहुत सिंपल सा प्रयोग है, बहुत छोटा सा प्रयोग है। विद्युतीकरण वहां पर उनको दोनों आंखों के बीच के आज्ञा चक्र वाले स्थान पर बिजली कड़कने की कल्पना करनी है और इस विद्युतीय मंत्र को जपते रहना है। 2 से 5 मिनट तक इस मंत्र का अभ्यास और इसके साथ ये इमेजिनेशन बिजली कड़कने का यह करना है। मात्र 2 मिनट से प्रारंभ कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको 5 मिनट कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं, क्योंकि इतने में ही यह आपकी पूरी सेल्स को रिचार्ज कर देता है, इतने में ही यह आपके सारे सिस्टम को बदल देता है और यह पूरा आपके शरीर को ऊर्जावान बना देता है, एक एक कोशिका को चार्ज कर देता है। यह विद्युत प्रयोग है, जो विद्युत प्रयोग आधार पर आधारित है, शास्त्रों पर, और हमने अलग अलग शास्त्रों से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, पार्वती सहस्त्र नाम से और दुर्गा सहस्त्र नाम से आपके लिए प्रमाण दिए और इस प्रयोग को हमने बहुत लोगों पर आजमाया। बहुत से लोगों ने इस प्रयोग को किया है और इस प्रयोग का लाभ भी लिया है। तो यह ऐसे प्रयोग हैं
जो कि हमारे वेदों में और हमारे अन्य शास्त्रों में बहुत भारी मात्रा में भरे पड़े हैं, पर बलिहारी हो इस आधुनिक समाज की कि गॉसिप के लिए तो समय है, मूर्खतापूर्ण मनोरंजन के लिए तो समय है, परंतु जो आर्षि मुनि घोर तप करके और अलग अलग प्रकार की कष्टदायक साधनाएं करके अपने जीवन का बहुत बड़ा समय इसमें लगा करके हमारे लिए जो जो प्रयोग बता गए थे, उनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। आज कितने ऐसे सनातनी हैं जिनके घर में सनातनी ग्रंथ रखे मिलेंगे, भगवत गीता और रामचरित मानस के अतिरिक्त या रामायण के अतिरिक्त और तो ग्रंथ ढूंढने से ढूंढना मुश्किल है। मात्र 2-3 ग्रंथ ही प्रत्येक सनातन अपने घर में रखता है। आप अधिक से अधिक सनातनी ग्रंथों को, अधिक से अधिक सनातन शास्त्रों को अपने घर में रखना प्रारंभ करें, चाहे वह योग से लिए गए हों, चाहे वह आयुर्वेद के हों, चाहे वह तंत्र के हों, चाहे वह अध्यात्म के हो, चाहे वह योग वशिष्ठ हो, चाहे वह चाणक्य नीति हो, चाहे वह चरक संहिता हो, चाहे वह अष्टावक्र गीता हो, कोई भी अलग अलग प्रकार के ग्रंथों को अपने घर में रखिए, जिनको रखने से भी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती है, और उनको पढ़िए और उनके तत्व को ग्रहण करने का प्रयास करिए। क्योंकि सारे ग्रंथ किसके लिए बनाए गए थे? क्या उन आर्षियों का कॉपीराइट है उन ग्रंथों पर? उन आर्षियों ने इतनी मेहनत किस लिए की थी? वो इसीलिए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान को अपने जीवन में अपना करके जीवन को सार्थक बना लें, जीवन को सफल बना। हम आपके समक्ष वो सारी जानकारी प्रस्तुत कर दें जो अप्रचलित है, जो दुर्लभ है, जिसका जनसामान्य में बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं है। हम अपने कार्य में निरंतर लगे रहेंगे। आप जैसे बहुत सारे गुण ग्राहक श्रोता हमें निरंतर उत्साहवर्धक कमेंट लिखते हैं और हमारा उत्साह दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं, और यह चीज हमें बहुत प्रभावित कर रही है, और यह हमें अपने कार्य को करने की करोड़ों गुना ऊर्जा से प्रेरणा निरंतर देती जा रही है। इस कार्य को हम जारी रखेंगे, और अब हम आज जो प्रयास किया तो यह आशा है कि हम इसे ठीक से समझा पाए हैं कि विद्युतीय मंत्र के साथ आपको कैसे यह प्रयोग करना है बिजली कड़कने का अपने आज्ञा चक्र में पुराने साधकों के लिए, और अपने नाभि चक्र में नाभि के पास वाले स्थान में नए साधक हो, तो यह प्रयोग करके देखिए, और फिर इस प्रयोग का जो फल हो, जो लाभ हो, या जो भी अनुभव रहे हो, जैसे सारे हमारे साथ शेयर करिए। अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।